Hello student, myself Sushil Rajbhar. I will teach you computer. Today my topic is learn to use the computer parts. आज computer के parts के बारे में जानेंगे. There are many hardware parts connected to be a computer. Without these parts, we would not be able to use a computer. कंप्यूटर जो है कि अनेक पार्टों से मिलकर बना होता है और ये किसी एक पार्ट के बिना अधूरा होता है. फर्स्ट टाइम एज लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू. फर्स्ट कीबोर्ड, कीबोर्ड में कीबोर्ड टाइप्स ऑफ की, इसमें विभिन्न तरह की होती हैं. फर्स्ट अल्फाबेट की, सेकंड न्यूमेरिक की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, इंटर की, बैक स्पेस की, डिलीट की, एरोस की. नेक्स्ट यूज ऑफ दिस की. फर्स्ट अल्फाबेट की. अल्फाबेट की यूज क्या है? द अल्फाबेट की इज यूज टू टाइपिंग लेटर एंड नेम. सेकेंड न्यूमेरिक की. Numeric is used to typing numbers and calculating. Alphabet की क्या use? Number, नाम लिखने के लिए, कोई letter लिखने के लिए, कुछ information fit करने के लिए होता है. Numeric की का use कुछ character जैसे number लिखने के लिए होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए होता है. Expression की कुछ होती है as like shift की, caps lock की, space bar की, enter की, इंसर्ट की. ये सारे जो है स्पेस बार की के, स्पेस की के अंतर्गत हैं, स्पेशल की के अंतर्गत आएंगे. यूज कैप्स लॉक की यूज क्या है? कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप अ कैपिटल लेटर. जब कोई कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो कैप्स लॉक की को ऑन कर लेते हैं. शिफ्ट की, शिफ्ट की इज यूज टू बी टाइप सिनोनिम्स एज कैप्स लॉक की. शिफ्ट की का यूज एकदम सीधा विलोम कैप्स लॉक की के अनुसार होता है. जैसे कैप्स लॉक की ऑन होगी तो उस टाइम शिफ्ट की के प्रयोग से हम कैरेक्टर को स्मॉल लिख सकते हैं, और कैप्स लॉक की जब ऑफ होगी तो उस समय शिफ्ट की सहायता से उस कैरेक्टर को हम कैपिटल लिख सकते हैं. नेक्स्ट डिलीट की. The delete key is erase to a character to our right side. मतलब जो कर्सर होता है उसके राइट साइड में जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज करते हैं. बैक स्पेस की. बैक स्पेस की क्या है? ये होती है बैक स्पेस की. द बैक स्पेस की इज इरेज टू कैरेक्टर द लेफ्ट साइड अ कैरेक्टर. मतलब जो इसकी का यूज होता है जो उसके कैरेक्टर जो कर्सर के लेफ्ट साइड होता है उस कैरेक्टर को बैक स्पेस की से डिलीट करते हैं. एरोस की. एरोस की इज यूज टू लाइन अप एंड लाइन डाउन, एंड अप और ऊपर और नीचे जाने के लिए और कैरेक्टर के राइट और लेफ्ट में जाने के लिए होता है. नेक्स्ट शिफ्ट की. शिफ्ट की तो यूज हो गया. और स्पेस बार की. स्पेस की क्या है? This key is used to be character या word to word space. इस key का यूज जो है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए होता है. कंट्रोल की. This key is used to be an other function used to be जैसे कंट्रोल की का प्रयोग कोई भी फंक्शन शॉर्टकट की के अनुसार यूज करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं. होम की. होम की का यूज क्या है? जैसे होम की इज यूज टू बी फर्स्ट लाइन मूव, लाइन टू फर्स्ट मूव. यानी कि कोई भी लाइन होती है उस लाइन के सबसे फर्स्ट में जाना होता है स्टार्टिंग में, तो होम की का प्रयोग करते हैं. एंड की. एंड की इज यूज टू बी लाइन एंड.
की का यूज ये होता है कि जैसे कोई कैरेक्टर लिखा होता है तो हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर अपना कर्सर होता है तो उस कर्सर इंड की का प्रयोग करते हैं तो हमारा कर्सर लास्ट इंड में पहुंच जाता है एकदम इंड में। पेज अप और पेज डाउन, इस की का यूज जो है कि एक एक पेज को ऊपर और नीचे जाने के लिए होता है। नेक्स्ट माउस, व्हाट इज माउस? अ माउस इज यूज्ड टू बी पॉइंटेड द सेलेक्टिंग थिंग्स एंड स्क्रॉल एंड ड्रॉइंग पिक्चर्स। देर आर मेनी बटन, मेनी थ्री बटन्स एज लाइक राइट बटन, स्क्रॉल व्हील, लेफ्ट बटन। ये तीन बटन होती हैं। इसमें राइट की यूज टू फंक्शन ओपन एंड एंड सी प्रॉपर्टीज, किसी फंक्शन को ओपन करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए राइट की का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट की इज यूज टू बी फंक्शन इंस्ट्रक्शन टू बी ऐड, मतलब लेफ्ट की का यूज ये करते हैं कोई इंस्ट्रक्शन होता है तो हम उससे एक बार में क्लिक करके उसको देखते हैं। स्क्रॉल की व्हील इज यूज टू बी अ पेज स्क्रॉल एंड पेज डाउन, और स्क्रॉल की का यूज जैसे मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंतर्गत जो पेज होता है उस पेज को अपने आवश्यकता अनुसार कितना ऊपर लेके जाना है और कितना नीचे लेके जाना होता है उस इस वजह से स्क्रॉल की का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है सीपीयू बॉक्स। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सम कंप्यूटर पार्ट्स आर अटैच्ड ऑफ सीपीयू बॉक्स। कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू बॉक्स में अटैच होते हैं, लाइक अ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ईटीसी। जैसे इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट लाइक अ सीडी ड्राइव, ऊपर जो होता है सीडी ड्राइवर लगा होता है जो कैसेट को उसके अंदर रीड करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए होता है, या कोई सा भी मूवीज सीडी हो, जैसे डाटा की हो या मूवीज की हो या कार्टून्स की हो, कोई भी सीडी उसके अंदर इनपुट करने के लिए होता है। ऑडियो पोर्ट्स क्या है? ऑडियो पोर्ट्स इज यूज टू बी वायर इन हेडफोन या अदर स्पीकर, या ऑडियो पोर्ट्स के अनुसार किसी स्पीकर में उस वायर से जोड़ के आवाज को बाहर निकालने के लिए, स्पीकर से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पावर बटन इज यूज टू बी ऑन ऑफ बटन, फुल एक तरह से कह सकते हैं कंप्यूटर की जो मेन स्टार्टिंग बटन होती है वो मेन बटन यही होती है अपनी, पावर बटन, इसी बटन से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूएसबी पोर्ट, व्हाट इज यूएसबी पोर्ट? यूएसबी पोर्ट इज लाइक माउस वायर एंड कीबोर्ड वायर। टुडे आवर होमवर्क इज What is the use to caps lock key? What is difference between backspace key and delete key? What is the use of mouse and keyboard? Full form of CPU and CD. Today watching video all students, thank you.